फिर देश की जनता को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कोविड मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए लोहड़ी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कोविड 19 के प्रोटोकॉल व सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करने की जनता से अपील की। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि प्रदेश की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं व जन कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की जनता का जीवन स्तर निरंतर बेहतर हो रहा है। तो सबसे पहले लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को, आप सभी को। और जहाँ तक लोहड़ी की बात है, अब की बार सेलिब्रेशन का दौर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रदेश में ज़्यादा नहीं हो पाएगा, कारण कोविड के कारण थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हैं। और हम अपने यहाँ पर भी सरलता से जिस तरह से एक त्यौहार को मनाने की दृष्टि से सहजता से उसको मनाएंगे, इसमें कोई सेलिब्रेशन वाला इस तरह का वो विषय नहीं होगा। और कोविड के विषय को लेकर के अभी प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद सारी चीज़ों को हम कुछ कहने की स्थिति में हो पाएंगे। लेकिन इतना है कि हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं पूरे पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और पिछले कल तो बहुत बड़ा नंबर जो है 1850 के लगभग एक्टिव केस एक दिन में आए हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है हिमाचल के हिसाब से। चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा संतोष का विषय यह है कि अभी तक हॉस्पिटल में एडमिशन्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही है। एक दो दिन बुखार और ज़्यादातर केसेस इस तरह के हैं, और जिसके कारण लोग घर में होम आइसोलेशन में रह करके ही अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अपना देखभाल कर रहे हैं। सरकार की ओर से जो बेस्ट पॉसिबल मदद उनको होम आइसोलेशन में जो की जा सकती है वो कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।